डेढ़ की टीम निकली है आज जनता के बीच ये पता लगाने कि आखिर क्या आंख मारने वाले बन सकता है पीएम। जी हां, बात कर रहे हैं राहुल गांधी की, क्योंकि वो फिर से एक बार चर्चा का विषय बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने राफेल मुद्दे पे चल रहे बहस के दौरान फिर से आंख मारी है, जो कि मीडिया में छा गया है। आपको बता दें कि इससे पहले भी राहुल गांधी ऐसा कर चुके हैं, लेकिन इस बार तीन राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की जीत ने कहीं ना कहीं राहुल के 2019 में पीएम की दावेदारी को मजबूत किया है। तो आइए जानते हैं लोगों से कि क्या वापसी होगी मोदी की या फिर आंख मारने वाला बनेगा पीएम। में सरकार बनेगा, वादा करके निभाता है, वो तो आंख मार के कम से कम वादा करता है, ये तो झूठ बोल देता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। कहां कुछ किया, इतने मतलब गरीबी रेखा में ये खुला अकाउंट खुलवा दिया कि इतना पैसा भेजेंगे या करेंगे वो करेंगे, कुछ भी नहीं। आज जो अकाउंट में पैसा वो भी क्लियर खत्म, मतलब वादे पे खड़े नहीं हो पाए मोदी, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। ये जो राहुल गांधी ने आंख मारा है, तो ये उनका कोई वैसा मकसद नहीं था आंख मारने का, ये राजनीतिक है और इनमें ये चीज़ें चलती है पॉलिटिक्स। ये हमारे मोदी जी और हमारे राहुल जी के बीच जो चल रहा है राफेल डील को लेके, तो इस बीच वो दाव खेल रहे हैं, वो भी दाव खेल रहे हैं, तो कभी राहुल जी हल्के पड़ जाते हैं, कभी मोदी जी हल्के पड़ जाते हैं, इसलिए उन्होंने आँख मारी। और जहाँ तक के राहुल जी की बात है कि वो इस बार 2019 में बनेंगे कि नहीं बनेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि बनेंगे, क्योंकि हमारे देश की जनता जान चुकी है और काफ़ी सारे वादे किए थे मोदी जी ने जो कि पूरी नहीं हुई है। और इतिहास में पहली बार तेल का दाम 80 रुपये 90 रुपये पहुँच गया। मैं भी गाड़ी यूज़ करता हूँ, मुझे भी तकलीफ़ होती है, प्लस GST को लेके, तेल को लेके, हर चीज़ को लेके। दोस्त, राहुल गांधी ने इस बार फिर से आंख मारी है, क्या आप उनको पीएम की रेस में देख रहे हैं या मोदी की होगी वापसी? मोदी की वापसी होगी, क्यों? मोदी की होगी। क्यों होगी मोदी की वापसी? मोदी की, क्योंकि मोदी ने अच्छे काम किए इसलिए मोदी की होगी। राहुल गांधी को मौका नहीं देंगे? राहुल गांधी को जहाँ मौका मिलना था वो मिल गया। कहाँ मिल गया? मिला ना सर, बिहार में मिला। आपको क्या लगता है? मेरे को तो भैया मोदी को वोट देना है, मोदी बनाना है। अच्छा, मोदी बनाना है, मोदी वापसी होगी। आइए लोगों से खड़े हैं, आंख मारने वाले राहुल गांधी पीएम बन पाएंगे इस बार? बनेंगे। क्यों, मोदी नहीं वापसी आएगी? मोदी नहीं आएगा, राहुल गांधी बनेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा है क्योंकि वो अच्छा काम करता था राहुल गांधी, और मोदी अच्छा काम नहीं कर रहा है। अच्छा, जो मोदी ने जो विश्वास दिलाया वो नहीं मिल पाया है? मोदी के सरकार में तो रेट कम रह गए फीस में, आजकल काम कर रहे हैं तो सही से रेट नहीं मिल रहे, दिहाड़ी नहीं पड़ी सही से, 300 के 250 के दिहाड़ी पड़ रही है। तो अब की इनकी सरकार आएगी राहुल गांधी की, तो अच्छी दिहाड़ी पड़ेगी। बेरोजगार को वादा किया था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी मिलेगी, सर कोई नौकरी नहीं मिल रही है। लेकिन कल अभी आरक्षण की बात हो गई है और जनरल कैटेगरी को भी आरक्षण की बात देने की कह रहे हैं, तो कितना सही लगता है कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण बढ़ता ही चला जा रहा है? आरक्षण खत्म होना चाहिए, आरक्षण बढ़ता चला जा रहा है, ये सब इलेक्शन को लेके हुआ जा रहा है। इलेक्शन सर पर है, इसीलिए सरकार अपने जितने भी वादे हैं उनको पूरा करने की कोशिश कर रही है, नई नई योजनाएं आ रहे हैं। 2019 में जब जनवरी आ गई तो लोगों के लिए, जनताओं के लिए कई सारी सुविधाएं दिखाई जा रही है। आपने लोकतंत्र का एक लंबा समय देखा है, सरकारें कई बार बदलते देखी है, क्या आपको लग रहा है कि 2019 में फिर से मोदी आएंगे या फिर राहुल गांधी? अभी तक नहीं लग रहा, कोई चांस नहीं है। ऐसा क्यों? जैसे इन्होंने अभी कुछ बातें कही, बहुत सारा चीज मतलब वो गड़बड़ किए है, सभी को पता है। हमको सबसे ज्यादा तकलीफ जो सब्सिडी वाला सिस्टम जो किया गैस का, ये बिल्कुल गलत है। हमारे पैसा ले करके फिर मुझे वापस कर रहे हैं, इसमें कितने लोग का पैसा घोटाला हो रहा। एक साल से हमारा सब्सिडी पैसा नहीं आया है, जबकि अकाउंट नंबर सब कुछ दिया हुआ है, फिर भी पैसा एक साल से नहीं आया।